अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार हम जाके देखते हैं क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि वहां पर भी अब एक नई लड़ाई शुरू होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मोदी की हारे या वसुंधरा राजे की हारे, किसकी हारे? अभी तो परिणाम पहले पूरे आने दीजिए, उसके बाद में बैठ के बात करेंगे। लेकिन रुझान जिस तरह के नंबर दिखा रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये जो आंकड़े कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की आपको आशंका है, तो इसका आप आशंका है? किसका आशंका? सॉरी, आपको उम्मीद है तो इसके लिए आप किस को श्रेय देंगे इस बात का? किस वजह से लोगों ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को इस बार मौका दिया? देखिए, ये तो मैं पहले दिल्ली में भी कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को उनके अपने खुद के राज्य में, अमित शाह जी को उनके खुद के राज्य में जिस प्रकार कॉर्नर किया, उनको पूरा देश देख रहा था उस वक्त में, उसके बाद में वो उठ खड़े नहीं हुए, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के परिणाम क्यों आ रही है, इसलिए आ रहे हैं कि इतने कॉर्नर उनको कर दिया गया कि कोई इश्यू का जवाब नहीं दे पाए, वो बिना इश्यू के इलेक्शन लड़ा उन लोगों ने, जबकि वो सत्ता में थे वहां पर। नॉन इश्यू को इश्यू बनाए, भावात्मक मुद्दे, कभी मनी संग्रह ये आ रहे, कभी प्लेन पानी उतर रहा है, कभी मैं गुजरात की बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, पूरी कौम की बेइज्जती हो रही है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर की भाषा होती है क्या? इस भाषा को लेकर के बोले थे वो और टेक्निकली जीत गए। ना वो उनकी बीजेपी जीत थी और ना कांग्रेस हार थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा देश इस बात को मानता है। उसके बाद में वो अभी उठ खड़े हुए ही नहीं है। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे, कर्नाटका में देख लिया, सरकार तो उनकी नहीं बन पाई थी, अब आप देखेंगे कि आज जो देश में जो माहौल है, सब स्वच्छता बर्बाद हो रही है। अब कल RBI के गवर्नर का इस्तीफा होने की मामूली घटना नहीं है। रघुराम राजन ने खुद ने कहा है कि एक कोई क्लर्क नहीं है कोई जाके इस्तीफा दे दे जब तक कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल नहीं बनाया गया हो कि मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब RBI का गवर्नर इस्तीफा देवे कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो ये अशोक गहलोत थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता। लेकिन अब कांग्रेस में भी एक नई चुनौती का दौर शुरू होगा, और वो दौर ये होगा कि राजस्थान में अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे? इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश की टैली पर नजर डालें तो कांग्रेस 117 पर पहुंच गई है। इसका मतलब अगर इतनी सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं तो कांग्रेस सरकार बना लेगी मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल वही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ बनेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे? और राहुल गांधी ने दोनों ही राज्यों में ये एक कंफ्यूजन की स्थिति छोड़कर रखी है कि किसी को यह ना पता चले कि इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा।